ये गाना था ओरिजिनल म्यूजिक फूल तुम्हें भेजा है खत में। तो दोस्तों अब हम वो फार्मूला आपको बताने वाले हैं, माइनर का मैंने बता दिया है और फुल प्रूफ के साथ आज मेजर का हम बताएंगे कि अगर मेजर पे कोई गाना चल रहा है कोई भी गाना तो हम उसमें क्या फार्मूला यूज करेंगे, आज वो पोस्टमार्टम होने वाला है मेजर स्केल का। तो बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए क्योंकि ये जो मैं फार्मूले बताता हूँ आपके प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व करेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए सपोज ये मेरा गाना है, मैंने इस गाने को ओरिजिनल स्केल पे लिया है एफ शार्प मेजर यानी तीसरा काला। अगर हम यहाँ से काउंट करें तो पहला हमारा जो नोट आता है वो एफ शार्प, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवा, ये सातवा, आठ, ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हमारे इस गाने के नोट्स हैं, ठीक है। अब ये नीचे भी आ जाएंगे सा नी धा पा, इसे हम मंद्र सप्तक भी कह देंगे। दिस इज, ये हमारा इस गाने के स्केल के नोट्स हैं। अब ये जो गाना है हमारा इसी स्केल के नोट्स पे ही प्ले होगा, जिससे पहली लाइन। अब इसमें कॉर्ड्स क्या हम यूज करेंगे, ये तो हमारा स्केल हो गया है। कॉर्ड्स के लिए मैंने वीडियो बना रखा है लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि जो कॉर्ड्स का जो फार्मूला है 1+4+5, मतलब जो स्केल का पहला नोट आएगा 1 उसका कॉर्ड बनेगा एफ शार्प मेजर। इसके बाद 1 2 3 4 चौथा नोट आता है बी नोट, तो इसका बी मेजर कॉर्ड बनेगा। और पांचवा नोट जो आएगा हमारा वो सी शार्प, इसका सी शार्प मेजर कॉर्ड बनेगा। ये गाना इस स्केल पे है एफ शार्प मेजर स्केल पे, ठीक है। स्केल कोई भी हो, गाना कोई भी हो, फार्मूला सब पे अप्लाई होगा, ये मेरी गारंटी है। अब आते हैं कि म्यूजिक की बात करते हैं। चलिए हम जो म्यूजिक प्ले करेंगे वो रिदम के साथ प्ले करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि हाँ मतलब जो रिदम मैंने प्ले किया वो उस गाने के साथ थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, ये चीज़ें, ठीक है। आप भी ऐसे प्ले करेंगे मेरी तरह फार्मूले के साथ में। फार्मूला हम क्या यूज़ करने वाले हैं वो देख लेते हैं। अब पहला कॉर्ड हमारा क्या है एफ शार्प मेजर, ठीक। दूसरा कॉर्ड बी मेजर, तीसरा कॉर्ड सी शार्प मेजर। एफ शार्प मेजर हमारा पहला कॉर्ड है और सी शार्प मेजर हमारा तीसरा कॉर्ड है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों कॉर्ड पे हमें म्यूजिक प्ले करना है, कैसे प्ले करना रहेगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। जब भी हम मेजर स्केल का कोई भी गाना प्ले करते हैं पहले कॉर्ड से स्टार्ट करेंगे और दूसरे कॉर्ड तीसरे कॉर्ड सी शार्प मेजर के किसी भी एक नोट पे छोड़ेंगे, ठीक है। और फिर किसी भी एक नोट से स्टार्ट करेंगे और पहले कॉर्ड के नोट पे छोड़ेंगे। बीच में हम आपको एक चीज़ और बताएंगे, कुछ गाने ऐसे मिल जाते हैं जिनका स्टेंजा ग से स्टार्ट होता है तो उस गाने का सुर हमें कहाँ पे छोड़ना है। लेकिन हम यहाँ सीख रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता है, वो हम सीख रहे हैं कि हम क्या प्ले करें, ठीक है। सबसे सीधी बात है, आपको पहले कॉर्ड से म्यूजिक प्ले करना है और तीसरे कॉर्ड 1 2 3 4 दूसरा कॉर्ड बी मेजर होता है, तीसरा कॉर्ड सी शार्प मेजर। तो हमारे पास पहला कॉर्ड एफ शार्प मेजर और सी शार्प मेजर, ये दो कॉर्ड पे ही हम म्यूजिक को ही प्ले करेंगे। पहले कॉर्ड के साथ से स्टार्ट करेंगे और दूसरे कॉर्ड मतलब तीसरे कॉर्ड सी शार्प मेजर कॉर्ड के किसी एक नोट पे छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसी सी शार्प मेजर कॉर्ड्स के नोट्स को यूज करके एफ शार्प मेजर नोट पे हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फार्मूला सीधा सीधा कि सिंगर हम सा पे छोड़ दे, हमें तो कुछ नहीं पता है ना, वो इसकी बात हम कर रहे हैं। अगर आपको सब कुछ पता है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर हमें कुछ नहीं पता है, स्टेंजा एक नोट भी नहीं पता है तो कहाँ से उठ रहा है, तो सा पे लाकर छोड़ना है। कैसे छोड़ना है, पहले हम ओरिजिनल म्यूजिक प्ले करेंगे फिर हम प्ले करेंगे अपने से। पहले हम गाना प्ले करेंगे कि वो फूल तुम्हें भेजा है खत में जो गाना है वो इसके नोट्स क्या है, आप क्लियर हो जाएगा। रिदम पे लेते हैं, इतना गाने के बाद सिंगर रुक गया। भाई देखो ये कई लाइन बार रिपीट है तो हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा रिपीट करेंगे ना तो कॉपीराइट आ जाएगा, इससे मैं बच रहा हूँ, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आके सिंगर रुक गया, फूल तुम्हें भेजा है खत में, यहाँ पे रुक गया। अब ओरिजिनल म्यूजिक क्या बजी है उसको प्ले करेंगे, फिर वो फार्मूले पे अप्लाई, दोनों को हम प्रूफ देंगे। आप देखिएगा कि हाँ मैं जो प्ले कर रहा हूँ, जो मैंने फार्मूले बताऊँ आपको, वो बखूबी इस पर फिट बैठ रहा है। चलिए ओरिजिनल म्यूजिक प्ले करते हैं। Thank you.
कंफर्म। स्टेंजा की लाइन ग से स्टार्ट है। खत से जी भरता ही नहीं अब, कंफर्म। लेकिन हमें तो पता नहीं है ना कि ये लाइन कहाँ से स्टार्ट है, तो हम क्या करें? उस समय आपकी सिचुएशन क्या रहती है वो हम हैंडल करने वाले हैं, कि हमें जब पता ही नहीं है कि गाना ग से उठ रहा है कि पा से उठ रहा है, कहाँ से उठ रहा है। ठीक, यहाँ पे हम आपको एक कन्फ्यूज़न क्लियर कर दे रहे हैं कि अगर आपको नहीं पता है तो सा पे गिराइए, अगर आपको पता है गाना ग नोट से उठ रहा है। ज़्यादातर जो गाने होते हैं वो पा से या सा से उठते हैं, ठीक है, ग से बहुत कम उठते हैं। अगर मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसे गाने आ गए, जैसे ये मेरे सामने आ गया, ये गाना ग से उठ रहा है, तो हम इसके नोट्स पा पे गिराएंगे, ठीक है। अगर आपको पता है कि गाने की स्टेंजा की जो पहली लाइन है वो गा से स्टार्ट है, गा से, खत से जी भर सारे गा, इसको सा माने ना, हमारा इसके लिए है सारे गा मा पा धा नी सा, तो गा से स्टार्ट है। अगर गाने की लाइन गा से स्टार्ट है तो हम जो स्टेंजा का नोट है वो सा पे गिराएंगे, अगर आपको पता है तो, तब पा पे गिराएंगे। अगर नहीं पता है कि गाने की स्टेंजा गा से उठ रहा है कि पा से, तो आप सा पे गिराएंगे। चलिए ठीक है, अब ये हो गई ओरिजिनल म्यूजिक, हम क्या प्ले करेंगे वो देख लेते हैं। इसके बाद एक चीज और यूज करेंगे स्ट्रिंग सिंगर को दिखाने के लिए कि भाई अब आओ, आपको हम जगह दे रहे हैं गाने को उठाने के लिए, ठीक है। फिर से प्ले करते हैं। यहाँ पे हमने छोड़ा सी सा मेजर के, अगर हम फ्लूट प्ले करेंगे तो फ्लूट जो है हमें हायर ऑक्टेव में प्ले करना रहेगा। सी सा मेजर के मैंने जी साब नोट पे छोड़ा है, सी सा मेजर कॉर्ड ये होता है, आप देख लो यहाँ पे, तो मैंने इस पे छोड़ा है, ठीक। अब इसके नोट्स को लेते हुए हम सा पे छोड़ देंगे, रेडी। हमें तो पता नहीं कि शेंजा की लाइन कहां पे, तो खत से जी यहां पे सिंगर उठा लेगा स्ट्रिंग की, फिर से देखते हैं दोस्तों, हमने जो आपको ये फार्मूला बताया 1+5, मतलब जो हमारा पहला कॉर्ड है एफ शार्प मेजर, और जो दूसरा कॉर्ड हमारा बनेगा पांचवें नोट का सी शार्प मेजर, इस पर हम इन म्यूजिक प्ले करेंगे, सा से स्टार्ट करेंगे। फार्मूला कई बार मैंने बता रखा है, और माइनर का भी यही फार्मूला सेम चलता है, लेकिन माइनर में 1-2 है फार्मूला, इसका 1+5 फार्मूला है। पहले कॉर्ड पे पांचवें कॉर्ड से हम म्यूजिक स्टार्ट करेंगे, इसे हम पूरा प्ले करते हैं फ्लूट के साथ में लेते हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ ये मतलब म्यूजिक गाने के साथ में मैच कर रही है। ये चीज़ हो गया है कि हमें जब भी हम कोई भी गाना प्ले करते हैं म्यूज़िक की, तो उसमें हम दो टोन यूज़ करते हैं, आप तीन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो दो टोन यूज़ करते हैं। म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होनी चाहिए, अगर बहुत इंटरेस्टिंग बनाना है थोड़ी बहुत लंबी बन हो जाती है, लेकिन हम जो फार्मूले बताए हैं आपको 1+5, मतलब जो हमारा पहला कॉर्ड है एफ शार्प मेजर, दूसरा कॉर्ड है सी शार्प मेजर, इन्हीं दोनों पे हमें कॉर्ड को नोट्स को प्ले करने म्यूज़िक के, और गाने की जो लाइन है वो कहाँ पे छोड़नी है सा पे। अगर गाने का स्टेंजा पता है आपको कहाँ से स्टार्ट है तो वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, नहीं पता है तो सा पे छोड़िए। कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके मतलब रियली गाने होते हैं कि जिनके स्टेंजा गा से स्टार्ट होते हैं, तो उनके नोट्स आपको पा पे छोड़ना रहता है, अगर पता है तो, नहीं पता है तो सा पे छोड़िए।
हम वो वीडियो बना रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता है तब ये वीडियो बना रहे हैं, अगर आपको सब कुछ पता है तो कोई मतलब ही नहीं, फिर आप प्ले कीजिए, बहुत ही अच्छा प्ले करते हैं आप, लेकिन नहीं पता है तो उसके लिए हमने ये आपको वीडियो बना रखा है। ठीक है, आप एफ शार्प मेजर और सी शार्प मेजर इन्हीं दोनों पे आप म्यूजिक प्ले करेंगे। ये हो गया है आपका मतलब जो म्यूज़िक है, इस तरीके से आप इजी वे में कोई भी गाने की म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। सपोज अगर सी शार्प मेजर स्केल अगर हमारा है, सी शार्प मेजर स्केल सा रे गा मा पा धा नी सा, तो इस पे हम कौन सी कॉर्ड पे म्यूज़िक प्ले करेंगे, सी शार्प पे, और जो दूसरा कॉर्ड हमारा रहेगा जी शार्प पे, 1 2 3 4 5 दूसरे कॉर्ड पे हम म्यूज़िक प्ले करेंगे। पहला कॉर्ड हमारा ये रहेगा, दूसरा कॉर्ड हमारा जी शार्प मेजर कॉर्ड रहेगा, इन दोनों कॉर्ड पे हम म्यूजिक प्ले करेंगे। ठीक है, मान लीजिए सपोज जिसका दूसरा काला है, पहला कॉर्ड हमारा क्या रहेगा डी शार्प मेजर, ठीक है, इस पे म्यूजिक प्ले करेंगे, सा से स्टार्ट करेंगे, और जो दूसरा कॉर्ड हमारा रहेगा ए शार्प मेजर, 1 2 3 4 5 ए शार्प मेजर पे हम दूसरा कॉर्ड लगाएंगे, दूसरी लाइन प्ले करेंगे म्यूजिक की। थोड़ी सी हम तेज बोल रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, इन्फॉर्मेटिव हो। ठीक है, ये चीज़ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि स्लो बोलिए स्लो बोलिए, भाई अगर एकदम स्लो कर देंगे ना तो हम कुछ जो बताना चाह रहे हैं वो बता ही नहीं पाएंगे, 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, कोई देखा ही नहीं। अगर जिसका दूसरा काला है तो वो किस पे प्ले करेगा, डी शार्प मेजर पे, और दूसरा कॉर्ड हमारा उसका रहेगा ए शार्प मेजर। ठीक है, पहले काले के लिए सी शार्प मेजर, दूसरा कॉर्ड जी शार्प मेजर, इन्हीं दोनों कॉर्ड पे हम म्यूजिक प्ले करेंगे, 1 2 3 4 5 1 + 5। अगर जिसका दूसरा काला है डी शार्प मेजर, उसके बाद 1 2 3 4 5 ए शार्प मेजर। ठीक है, जिसका तीसरा काला है, अभी मैंने तीसरे काले के लिए बता ही दिया है, एफ शार्प मेजर सी शार्प मेजर, जिसका चौथा काला है उसका क्या रहेगा जी शार्प मेजर रहेगा, 1 2 3 4 5, और दूसरा कॉर्ड क्या रहेगा डी शार्प मेजर, पहला कॉर्ड हमारा रहेगा जी शार्प मेजर, दूसरा कॉर्ड डी शार्प मेजर, इन्हीं दोनों कॉर्ड पे वो कॉर्ड को सॉरी क्या कहते हैं म्यूजिक नोट्स को प्ले करेंगे। जिसका क्या कहते हैं ए शार्प यानी पांचवा काला है जिनका, उनकी पहली कॉर्ड रहेगी ए शार्प मेजर, इसको प्ले करेंगे। ठीक है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 दूसरा हमारा एफ मेजर पे वो गाना वो नोट्स प्ले होंगे, पहला कॉर्ड हमारा एफ शार्प मेजर रहेगा, दूसरा हमारा एफ मेजर रहेगा। ठीक है, एफ मेजर एफ ए सी ए शार्प मेजर, ये फार्मूले होते हैं 1 + 5। लेकिन जो मेरा फार्मूला है ये फार्मूला लगभग लगभग 99% गाने पे फिट बैठता है, क्योंकि मैं जो भी प्ले करता हूँ वो फार्मूला अभी मैंने जो इस पे गाने को प्ले किया वो फार्मूले पे बैठ रहा है। तो आप अपने इस फार्मूले को याद रखिए, 1 + 5 मतलब पहला कॉर्ड और पाँचवा कॉर्ड नो नोट आता है उस पे कॉर्ड पे हम प्ले करेंगे, तो ये आप मेजर का फार्मूला है दोस्तों, बहुत ही कारगर फार्मूला है, और यकीन मानिए अगर आप इस फार्मूले से म्यूज़िक प्ले करेंगे तो किसी भी गाने की म्यूज़िक आप प्ले कर पाएंगे। ठीक है, और जो मैंने आपको एक पॉइंट दिया था कि अगर किसी गाने का स्टेंजा गा से स्टार्ट है तो हम उसको उस नोट को हम सा पे नहीं पा पे छोड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको पता है तो गा पे रेयर केस में ये आते हैं कि जो गाना होता है वो अगर गा पे छूट रहा है स्टेंजा उसका गा से स्टार्ट है तो उसका जो ओरिजिनल क्या कहते हैं सॉरी स्टेंजा का जो नोट है वो पा पे हम गिराएंगे ताकि वो गाना आसानी से उठ जाए। अगर 99% जो गाने होते हैं वो सा और पा से उसके स्टेंजा स्टार्ट होते हैं, लेकिन जब सा पा से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप चाहे सा पे छोड़िए चाहे पा पे छोड़िए, जनरली अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप सा पे छोड़ दीजिए, गाना अपने आप उठ जाता है। लेकिन गा पे जब कोई भी गाना स्टार्ट होता है तो थोड़ी सी उठाने में प्रॉब्लम होती है सिंगर को, अगर आप पा नोट पे गिराएंगे ना तो दैट इज़ बहुत ही अच्छा रहेगा कि उसको उठाने में गा से उठाने में। कम ही गाने होते हैं, एक तिक्का दुक्का तिक्का ऐसे गाने बनते हैं जो गा पे, बहुत कम गाने बनते हैं। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा गाने बनते हैं वो सा पा से इनके स्टेंजा स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपके लिए फार्मूला बहुत कारगर फार्मूला बनाया हूँ, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।